हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्यून। आज का टॉपिक है आर यू फीलिंग स्टक, गाइडेंस देखते हैं क्या करना चाहिए। पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, लेफ्ट टू राइट। अगर पाइल ए चूज किया है, क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं? सिंपली लव, डार्केस्ट फियर्स, रिलीज। ओके, आपको सिंपली एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करनी है। हम लोग बोलते हैं ना, बीइंग थैंकफुल फॉर इवन द टाइनीएस्ट बिट ऑफ थिंग्स। आप ये भूल जाते हैं, क्यों? लाइक हर आफत मेरे ऊपर, एक दिन भी चैन से मैं नहीं गुजार सकती। सब प्रॉब्लम्स एक के बाद एक क्यों आती रहती है? आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, आई डोंट नो व्हाई इज सो मच बैड कर्मा ऑन मी, आई एम सो क्लूलेस, आई एम सो लॉस्ट, आई कांट हेल्प द सिचुएशन। तो वो चीज से बाहर आने के लिए क्या कीजिए, आप मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, प्रैक्टिस करो, देखो वीडियोस, सीखिए क्या करना है, कैसे करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम सोचेंगे कि सिर्फ हम अफर्म करेंगे, हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करेंगे। यस, ये बहुत रियल और बहुत अच्छी चीजें हैं, रिजल्ट्स भी मिलता है। बट क्या होता है कि अगर आप क्रिबिंग एंड क्राइंग नेचर में हो ना, तो एकदम से आप मैनिफेस्ट और अफॉर्म नहीं कर सकते एकदम से। यू नीड टू गेट इन टू दैट हैबिट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक टेक्निक एक से अच्छी है, हर चीज अच्छी होती है, एनीथिंग दैट यू फॉलो। बट आप जब यू नो यू आर पुटिंग पेन टू पेपर, मतलब आप लिखते हो पेन से लेकर पेपर पे एक चीज, तो आप अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करते हो उसमें और लाइवली बनाते हो चीजों को। तो जब आप वो करोगे, आपको और लाइवली और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो तब यू विल फील योर फीलिंग्स एंड इमोशंस मोर डीपली। तो क्या होगा, आपके लिए बेटर होगा, आप उस जोन में जल्दी जाओगे, आप और थैंकफुल ग्रेटफुल रहना सीखेंगे। तो आपको सिंपली लव, मतलब छोटी छोटी चीज को भी प्यार करो और थैंक्स जताना स्टार्ट कर दो। बहुत डरते हो यार रिस्क लेने से, बहुत डरते हो। लाइक 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड भी अगर खरीदना है ना, यू लाइक नहीं मुझे नहीं खरीदना बिकॉज पैसे डूब जाएंगे, इस टाइप का आपका नेचर है। हाँ, आईपीएल में पैसा लगा दो, ऐसा नहीं बोल रही मैं, प्लीज डोंट गेट दैट। पर मैं बोल रही हूँ कि यार थोड़ा तो, मतलब यू नीड टू फेस योर फियर्स, राइट? जहाँ एक्शन लेना है, कहाँ पैसा डालना है, सोच समझ कर तो आपने एक्शन लेना चाहिए, आप वो भी नहीं करते हो। सो प्लीज डोंट बी सो स्कैड कि आप टाइमली और वाइज डिसीजन ही ना ले पाए। जस्ट बिकॉज यू आर स्कैड, आप एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रह सकते हो, राइट? प्लीज फेस देम एंड यू नीड टू रिलीज योर इमोशंस ऑफ डाउट, सेल्फ वर्थ एंड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंग्जाइटी, ये सबसे ऊपर आओ। रिलीज करो सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस। यस, ये था आपका गाइडेंस। अगर आपने पाइल बी चूज किया, लेट अस सी योर कार्ड्स। Fulfillment of wishes, fertility, deception and envy. Okay. आप अभी नो 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 नेगेटिव जोन में हो। ओके, ये दोनों की एनर्जी पाइले और बी की काफी हद तक मुझे सेम जैसी लग रही है। आप ना अभी आपको लगता है कि एवरीथिंग इज अ लाई, हर चीज झूठ है, हर कोई झूठ बोलता है। आई डोंट इवन नो कि किस चीज पे विश्वास करना चाहिए, नहीं भरोसा ही उठ गया है। लाइक जेन्युइन अच्छे लोग हैं जो, उनसे भी आपका भरोसा उठता जा रहा है, बिकॉज मुंह पे नहीं बोल रहे हैं आप, बट आप सोच रहे हो कि यार कहीं ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे, कहीं ये चीज बोलने के पीछे कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, ये वाली आपकी थिंकिंग है। तो एक्स्ट्रा डाउट करना भी अच्छी बात नहीं है। ओके, और ऐसा क्यों लग रहा है काफी लोग को, मैं बोलूंगी कि अगर इफ यू एज अ कपल आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट अगर एज अ, मतलब जैसे कपल है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यू ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो मैं कहूंगी कि मल्टीपल ट्राइज करने के बाद भी नहीं हुआ था, एंड डॉक्टर ने बोला होगा कि ये ट्रीटमेंट करके या ये दवाइयां खा के ये सब ऐसा करके आप यू विल कंसीव, एंड वो भी नहीं हो रहा है, तो यू लाइक खाली पैसा खा रहे, इतना टाइम चला गया, सब झूठ बोल रहे हैं। ये एक चीज हो सकती है, एक सिचुएशन भी हो सकता है, या आपने ओवरहेयर किया किसी को, यू ना बोलते दीवारों के भी कान होते, यू ओवरहर्ड समवन सेइंग समथिंग एंड यू आर लाइक कि मेरे सामने कितने अच्छा बनता है ये, एंड पीठ पीछे कैसा कर रहे हैं, सबकी औकात बाहर आ रही है, तो आपको बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट हो, एंड यू इसके लिए, मतलब आप डिसेप्शन और एनवी की
जोन में है. मैं ये बोलूंगी कि इफ नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, यू विल गेट प्रेग्नेंट, ये आपका विशेष का फुलफिलमेंट होने वाला है. या अगर इट इज नॉट ओनली लाइक एक्चुअल प्रेगनेंसी, इम्प्रेगनेट योर सेल्फ विथ आइडियाज. मतलब आइडियाज आने दो, लेट देम, लेट द सीड ऑफ क्रिएटिविटी इनसाइड योर माइंड, दिमाग में वो क्रिएटिविटी का कीड़ा डालिए. तो अपने क्रिएटिव साइड से आप कनेक्शन में रहिए और अपना वैल्यू, अपना वर्थ पहचानो, चीजें बेटर होंगी. जो आप चाह रहे हो वो आपको जरूर बेशक मिलेगा. तो अगर आप फीलिंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग लॉस्ट, आपने उम्मीद बनाए रखनी है एंड बी इन ट्यून विथ योर क्रिएटिव साइड. अगर पाइल सी चूज किया है, आपके कार्ड्स देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले तो सिचुएशन एकदम डगमगा रही है, आपका पलड़ा हल्का है, इसके लिए आप डर से हमसे रहे हो. जो आपको जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये एक क्या कहूं मैं, जितना सरफेस लेवल पे दिख रहा है उतना ही नहीं है. टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना, देयर इज मच मोर, मेनी 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 लेयर्स बीनीथ. तो पहले सच्चाई ढूंढ लो कि क्या है, क्यों है, किस लिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. और सच्चाई तह तक पहुंचने के लिए आपको पहले आराम करना है. जब दिमाग ही शांत नहीं है, सोए ही नहीं है, खाया पिया ही नहीं है, तब आप क्या मतलब इंक्वायरी करोगे या क्लियरली सोचोगे. सो प्लीज रेस्ट करो, फिर अपने ऑप्शंस या कौन क्या कह रहा है या जिस चीज में फंसे हुए वो चीज रिकंसिडर कीजिए, सोचिए अनबायस्ड होके, निस्वार्थ भावना से भी कि क्या है. ट्राई टू फाइंड आंसर्स, तब क्या होगा, आपकी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी. तो अगर आपकी सिचुएशन इम्बैलेंस्ड है और आप सोच रहे हो कि कब बैलेंस होगा, कब बैलेंस होगा, डेफिनेटली बैलेंस होने वाली है सिचुएशन. तो जो भी टेंशन में, स्ट्रेस में था, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. सब्सक्राइब फॉर मोर. स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू ऑल. बाय.